कनाडा में जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, जिस तरह से खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क चल रहा है, उसका सबसे बड़ा किरदार है अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, जो कि पंजाब के मोगा के डाला गांव का रहने वाला है और यहीं से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। 35 से ज़्यादा मामले पंजाब पुलिस ने उस पर दर्ज किए हैं। मोगा के डाला गांव का वो रहने वाला है। यहाँ पर जो उसका पैतृक घर है, वहाँ पर आप देखिए कई नोटिस लगे हुए हैं जो कि अलग अलग देश की अदालतों में, खासतौर पर NIA अदालतों के द्वारा जारी किए गए हैं। और इन नोटिसों में सीधे तौर पर उसके भगोड़ा होने की बात लिखी है। उसकी जो संपत्ति है, उसका जो घर है यहाँ पर मोगा के डाला गाँव में, वो यहाँ पर सील किया गया। आप देखिए घर सील करके रखा गया है और यहाँ इस घर में कोई नहीं है। वो अपने परिवार के लोगों को भी यहाँ से ले जा चुका है। अर्श डल्ला के बारे में आपको बड़ी बात ये बताते हैं कि वो सबसे बड़ा चेहरा है जिसने खालिस्तान समर्थक आतंकियों और गैंगस्टरों का नेटवर्क खड़ा किया। कनाडा में 2020 में ये भाग निकला था अपने ही एक अन्य साथी सुखा की हत्या करने के बाद। अर्श डल्ला यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया, कनाडा जा पहुँचा। कनाडा में उसको खालिस्तान समर्थक आतंकियों ने रहने को, छिपने को जगह दी, उसको फंडिंग की और उसके बाद उसने पंजाब में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है और पाकिस्तान से खासतौर पर RDX AK-47 जैसे हथियार पंजाब में भिजवाने के पीछे अर्श डल्ला का बड़ा रोल रहा है। पंजाब सरकार लगातार कनाडा सरकार के साथ संपर्क में है और प्रत्यर्पण का प्रयास कर रही है, लेकिन कनाडा सरकार अर्श डल्ला को भारत को, पंजाब पुलिस को सौंपने को तैयार नहीं है और इसी वजह से अर्श डल्ला लगातार अपना नेटवर्क खड़ा करता जा रहा है। उसने पंजाब में एक बड़ा स्लीपर सेल खड़ा कर रखा है और अब जो गैंगस्टर सुखा की हत्या हुई है कनाडा में, उसके बाद अर्श डल्ला और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बीच एक बड़ी गैंग वॉर शुरू हो सकती है। अर्श डल्ला बम्भिया गैंग से जुड़ा है लेकिन अब उसको बतौर एक खालिस्तानी आतंकी के तौर पे जाना जाता है। मोगा के डाला गांव से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।